दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक वक्त होता था कि चुनाव आए नहीं और न्यूज चैनल वाले ओपिनियन पोल करना शुरू कर देते थे और धड़ाधड़ ये ओपिनियन पोल जो किए जाते थे ये केवल एक पार्टी और एक नेता को ही फायदा पहुंचाने के लिए किए जाते थे। राज्य कोई भी हो हर ओपिनियन पोल हर न्यूज चैनल का यही दिखाता था कि बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है और मोदी की लहर काम कर रही है। लेकिन वक्त का पहिया ऐसे घूमा या फिर ये कह ले कि माहौल ऐसा बदला कि वही गोदी चैनल जो दिन रात सुबह शाम मोदी जी की भक्ति में लीन होते हैं वो झटके पर झटका दे रहे हैं। किसे? न केवल मोदी जी को बल्कि बीजेपी को भी। दोस्तों कल मैंने आपको ये वाला वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम्स नाउ और ईटीजी का एक सर्वे आया है जिसमें उन्होंने साफ बताया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। और अब एक और सर्वे आ गया दोस्तों टाइम्स नाउ और ईटीजी का जिसमें एक और राज्य में बीजेपी की गोटी फंसती दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीर। टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे में राजस्थान को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है वो बताती है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी को 95 से 105 सीटें आएंगी और कांग्रेस को 91 से 101 सीट आने का अनुमान है। यही नहीं दोस्तों, जो वोट शेयर है दोनों पार्टियों का उसमें भी 0.60 का फर्क है, बहुत ही मार्जिनल फर्क है वोट शेयर का राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में। हालांकि राजस्थान के अंदर दोस्तों हमेशा से ही जो वोट प्रतिशत का अंतर रहा है जीतने वाली पार्टी और हारने वाली पार्टी के बीच कम ही रहा है। लेकिन इस बार हैरान करने वाला यह है कि राजस्थान वो इकलौता राज्य है, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में से राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी को इतनी उम्मीदें हैं कि उन्होंने एन वक्त में चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा को साइड करके मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का एक विश्वास पैदा किया है बीजेपी ने। बीजेपी का मानना है कि उसे कोई रीजनल लीडर नहीं मोदी जी का चेहरा जिता देगा। यही नहीं, राजस्थान के लिए तो यह भी कहा जाता है कि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार बदलती है, बीजेपी कांग्रेस होता रहता है। उसके बावजूद भी इतनी भयानक एंटी इनकम्बेंसी, जब पूरे 5 साल गोदी मीडिया ने गहलोत और पायलट की लड़ाई दिखाई हो, झगड़ा दिखाई हो, आप सोचिए कांग्रेस के लिए कितनी ये बड़ी विन विन सिचुएशन है कि वो नेक टू नेक फाइट दे रही है बीजेपी को वहां जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। तो इस ओपिनियन पोल के मायने क्या है अगर गौर से देखें तो बहुत से। सबसे पहले जो ठीक चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया, अब उसका जमीन पे कितना असर दिखाई दे रहा है, जमीन पर कितने लोगों तक वो फायदा पहुंचा उस पे तो बहुत मुश्किल है कुछ कहना, लेकिन उसका असर कहीं तो दिख रहा है कि इतनी नेक टू नेक फाइट कांग्रेस दे पा रही है इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद। इसके अलावा दोस्तों ये ओपिनियन पोल बीजेपी की वो असफलता भी दिखाता है जो पिछले 5 साल में अब तक अशोक गहलोत के खिलाफ एक भी बड़ा मुद्दा लेकर जमीन पर नहीं उतर पाई। वसुंधरा को साइडलाइन करने के चक्कर में बीजेपी आलाकमान ने राजस्थान से एक विपक्ष के तौर पर अपनी पार्टी को ही साइडलाइन कर दिया। हालत ही हो गई है दोस्तों कि परिवर्तन यात्राओं के नाम पर जो बीजेपी लंबे लंबे रोड शोज निकाल रही है बड़े बड़े नेताओं के, वहां भीड़ भी नहीं आ रही है। और इसकी चिंता खुद अमित शाह ने जयपुर में हुई पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग में इसका जिक्र किया था कि परिवर्तन यात्राएं ठीक नहीं जा रही, लोगों की भीड़ यहां पर नहीं आ रही है। दोस्तों 1% सोचिए कि अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कांग्रेस राजस्थान भी निकाल लेती है तो ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी फजीहत होगी। 2024 के चुनाव से पहले क्या मोदी जी 3 बड़े राज्यों में हार की हताशा लेकर चुनाव में जाएंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो चैनल की कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।